हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल VR टेक्निकल टीम में। तो दोस्त, क्या आप भी अपना PF का पासवर्ड भूल चुके हैं, या फिर नया पासवर्ड बनाना है, या फिर आपका पहले से पासवर्ड बना हुआ है लेकिन आप उसको बदलना चाहते हैं? तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि आप अपने PF का पासवर्ड कैसे बदल सकते हैं या कैसे बना सकते हैं। एकदम आसान तरीका बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से अपने घर बैठे अपने मोबाइल से PF पासवर्ड चेंज कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की वीडियो आपको मिलती ही रहती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको आ जाना है अपने मोबाइल स्क्रीन पर, और मोबाइल स्क्रीन पर आने के बाद आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन कर लेना है। चलिए मैं क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद सर्च बार में यहाँ पर आपको टाइप करना है EPFO। EPFO टाइप करने के बाद इसे सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, तो आपको थोड़ा नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा MP लोएज का, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। अब आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा इस टाइप का। तो आपको सिंपली थोड़ा नीचे आना है, और नीचे आने के बाद यहाँ पर एक सर्विस वाला कॉलम मिलेगा। तो आपको यहाँ पर सेकंड वाले ऑप्शन पर मेंबर UNA ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको UNA नंबर पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो अब UNA नंबर तो हमको पता है पर पासवर्ड पता नहीं, तो चलिए अपन को पासवर्ड बनाना है। तो आपको सिंपली थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा फॉरगेट पासवर्ड, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको UNA नंबर भरना पड़ेगा और ये कैप्चा भरना पड़ेगा। तो चलिए हम भर देते हैं। ये भरने के बाद आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको अपनी डिटेल भरनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, जो आधार कार्ड पर आपका नाम होगा वही नाम यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको डेट ऑफ बर्थ डालनी पड़ेगी, और यहाँ पर आप अपना जेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं, और सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। अब आप जैसे वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना पड़ेगा और कैप्चा भरना पड़ेगा। तो चलिए हम भर देते हैं। कैप्चा भरने के बाद, आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको सिंपली नीचे यहाँ पर ये बॉक्स मिलेगा, तो आपको सिंपली इस बॉक्स पर टिक लगा देना है। टिक लगाने के बाद आपको थोड़ा नीचे आना है, और यहाँ पर आपको वेरीफाई का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली इस पर आपको क्लिक कर देना है। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है। तो यहाँ पर आपकी डिटेल सक्सेसफुली वेरीफाई, मतलब वेरीफाई हो जाएगी, वैलिडेटेड यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा आधार नंबर वैलिडेटेड। अब आपको थोड़ा नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा आधार लिंक मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर आपको वही नंबर डालना है जो आपके आधार से लिंक होगा। तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डाल देना है, और सिंपली इस नीचे बॉक्स पे आपको टिक लगा देना है। इस बॉक्स पर टिक लगाने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आना है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा गेट OTP का ऑप्शन, सिंपली गेट OTP पर क्लिक कर देना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा। तो आपको वो OTP आगे यहाँ पर भरना पड़ेगा। तो आपको थोड़ा सा नीचे आ जाना है, और नीचे आने के बाद तो यहाँ पर आपको लिखा आ जाएगा OTP सेंड सक्सेसफुली। तो आपको सिंपली यहाँ पर ये कैप्चा भरना पड़ेगा, और सिंपली यहाँ पर एंटर OTP की जगह पर यहाँ पर आपको OTP डाल देना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, वेरीफाई और रीसेंड OTP का। तो आपको सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देना है। तो आप जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करोगे तो आपका OTP सक्सेसफुली, मतलब वेरीफाई सक्सेसफुली हो जाएगा। तो आपको सिंपली नीचे आ जाएगा आपके सामने दो ऑप्शन, न्यू पासवर्ड का और कंफर्म पासवर्ड का। तो आप यहां से आप जो भी पासवर्ड बनाना चाहें आप यहां से बना सकते हो। तो सिंपली यहां पर आपको पासवर्ड डाल देना है, और यहां पर नीचे भी आपको वही पासवर्ड डाल देना है, और आपको नीचे ऑप्शन मिलेगा सबमिट और कैंसिल का। तो आपको सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाएगा, मतलब बन जाएगा। तो आप यहां पर देख सकते हो लिखा आ गया है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, क्लिक हेयर टू लॉगिन। अब आप जाके यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप अपना PF। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं किसी ऐसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।